degree students. So myself, Assistant Professor Santosh Napte, working in Department of Microbiology, Sambhajirao Kendriya Mahavidyalaya Jalkot, District Latur. Students, आप देख रहे कि पिछले 3-4 महीने से हमारे महाराष्ट्र में हमारे देश में COVID-19 पैंडेमिक का जो स्प्रेडिंग है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हो, चाहे थर्ड ईयर के हो, या चाहे पीजी के स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी को ये कभी आपके मन में विचार है, आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम अभी होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि जब मार्च में एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और कुछ एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कुछ कई जगह पे, कई यूनिवर्सिटीज़ में शुरू भी हुई थी, और उसी वक्त देश में लॉकडाउन शुरू हो गया, क्योंकि ये कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। तो स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी, स्टूडेंट्स की सेफ्टी, इसलिए देश में लॉकडाउन शुरू करना पड़ा, और यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की जो एग्ज़ाम्स है, चाहे वो प्रैक्टिकल्स की हो, चाहे वो थ्योरी की एग्ज़ाम्स हो, वो पूरे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना पड़ा। और बाद में ऐसा लगा कि चलो कुछ दिन ये लॉकडाउन रहेगा और अप्रैल में, मई में ये एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो जाएंगे। यूजीसी की गाइडलाइंस आती है, आने के बाद ये जो नए गाइडलाइंस में क्या बोलेंगे, मतलब एग्ज़ाम्स कब लेना है, कब नहीं लेना है, या फिर कैसे लेना है, और कौन से ऑप्शंस वहाँ पे दिए जाएंगे, तो ये हमें पता चलेगा। लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम कल तक हमें वेट करना पड़ेगा, तो कल में ये नए गाइडलाइंस जो है वो कल आ सकते हैं। लेकिन जब मई मंथ में यूजीसी ने गाइडलाइंस दिए थे, हम आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इनको जो इन्होंने प्रीवियस जो एग्ज़ाम दिए है, पास्ट में जो एग्ज़ाम दिए उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को मार्क्स देने चाहिए, एंड दे हैव टू प्रमोटेड इन नेक्स्ट क्लास। तो ये ऐसा गाइडलाइंस जो मई मंथ में यूजीसी ने दिए थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, पूरे स्टेट्स को, तो लेकिन अभी टाइम ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि ये कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग बढ़ता ही जा रहा है, और इसीलिए यूजीसी को, एचआरडी मिनिस्टर को फिर से सोचना पड़ रहा है कि चलो अभी नए गाइडलाइंस लानी चाहिए। तो आज ये गाइडलाइंस मतलब आने वाले थे, तो हमें कल तक ये गाइडलाइंस मालूम हो जाएंगे, और हम कल देखेंगे कि एक्चुअली नए गाइडलाइंस क्या है, उन्होंने क्या बोला है कि कैसे एग्ज़ाम्स लेना है या फिर एग्ज़ाम कैंसिल करनी है, क्योंकि देश में ज़्यादातर बच्चों का कहना है या डिमांड है, चाहे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एजुकेशनल या फिर बीएड वाले स्टूडेंट्स हो, ये सबका कहना है कि, या सबकी डिमांड है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पे अभी COVID-19 का पैंडेमिक बढ़ता ही जा रहा है, और इसकी वजह से उनको भी टेंशन है, बच्चों को भी टेंशन है, स्टूडेंट को भी टेंशन है कि अभी वहाँ पे जाएंगे तो अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो क्या करेंगे। तो इसकी ये डर की वजह से बच्चों में, स्टूडेंट्स में ज़्यादातर डिमांड ये है कि चलो अभी ये पूरे के पूरे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाने चाहिए, एंड दैट यूजीसी इज़ ऑल्सो थिंकिंग ऑन दिस डिमांड, सो दे विल रिवाइज ऑल दिस गाइडलाइंस एंड दैट विल कम टिल टुमारो। सो वी विल वेट फॉर ऑल दिस गाइडलाइंस, एंड फिर से जब ये गाइडलाइंस रिलीज हो जाएंगे तब मैं फिर से आपसे बात करूँगा, नए गाइडलाइंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और क्या क्या नए सुझाव आए हैं, क्या क्या नए गाइडलाइंस आए इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सो वेट फॉर वन डे एट लीस्ट, कीप पेशेंस, एंड वी विल थिंक पॉजिटिव। थैंक यू।